नमस्कार दोस्तों, एवन स्टडीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सीटेट का एग्जाम क्या है। काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 2018 में, और आप सबको जैसे पता चल ही गया होगा कि सीटेट का जो एग्जाम है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आउट होने वाली है, और डेट आ गई है सीटेट के एग्जाम की नोटिफिकेशन की। तो जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार टीचर बनने के लिए, टीचर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, उन सबको जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग सीटेट्स वो आज इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहती हूँ। सीटेट क्या है, कब होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, क्या सिलेबस है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले आप अगर सीटेट के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सीटेट.nic.in पे आप जा सकते हैं। यह है ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट के एग्जाम की। चलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देते हैं आपको सीटेट के बारे में। देखिए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ RTE एक्ट, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 एंड 29 जुलाई 2011 लेड डाउन द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर फॉर क्लास 1 टू 8। तो ये जो सेक्शन थे, सेक्शन 23 ऑफ RTE एक्ट था जो 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 में आया था, इसमें इन्होंने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर दी थी टीचर की अपॉइंटमेंट की फ्रॉम क्लास 1 to 8। ठीक है, इट हैज़ बीन इंटर अलाया प्रोवाइडेड दैट वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन एनी स्कूल रेफर इन क्लॉज एंड ऑफ सेक्शन 2 ऑफ RTE एक्ट इज दैट ही शुड पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसके बाद इन्होंने क्या ले डाउन किया कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सभी को क्लियर करना पड़ेगा टीचर अपॉइंटमेंट होने से पहले, विच विल बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रॉम NCTE। तो जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इनके जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो देखिए, द रैशनल फॉर इंक्लूड TET एज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इज एज अंडर। ठीक है, इट वुड ब्रिंग नेशनल स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क। क्या रीज़न थे सीटेट या कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, क्या क्या रीजन थे? सबसे पहले, ये एक स्टैंडर्ड लाएगा टीचर्स की क्वालिटी का। सेकंड, इट वुड इंड्यूस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट फॉर दीज इंस्टीट्यूशन टू फर्दर इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ऐसा करने से इंस्टीट्यूट खुलेंगे जहाँ पे बच्चे प्रिपेयर करेंगे इन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, और जो इम्प्रूवमेंट है टीचिंग की वो हमारे सामने आएगी। इट वुड सेंड अ पॉजिटिव सिग्नल टू ऑल स्टेक होल्डर दैट गवर्नमेंट लेड अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचर क्वालिटी। और साथ ही साथ एक स्पेशल, सभी को ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने टीचर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम किया है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सीटेट। तो किसने कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? जब 2010 और 2011 में आया कि टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखो, देन इन्होंने कहा कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रखो जो गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी ताकि जो टीचिंग की क्वालिटी है वो अच्छी आ सके। उसके बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स है, उन्होंने कहा कि हम ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, और इस टेस्ट का नाम रखा गया सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में जो भी प्लेयर होते हैं वो सेंटर लेवल के स्कूल्स में, और आजकल कोई भी स्कूल है वो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही लेना पसंद करता है। ठीक है, तो आपको अगर टीचर बनना है तो आपको पूरे इंडिया में, दिस इज अ सेंटर लेवल, आप पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी टीचर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं जो सिलेबस है और क्या स्ट्रक्चर है सीटेट के एग्ज़ाम का। सीटेट के दो एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। जो पेपर वन है वो होता है क्लास 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए। ठीक है, इस पेपर में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा जाता है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक आते हैं। आपको अगर सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस इसकी कॉपी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको ये PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, नहीं तो आप ये PDF CTET.NIC.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए कंप्लीट सिलेबस आपको बता देते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में टॉपिक कवर करेंगे वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, सबसे पहला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स।
ये टॉपिक है 5 नंबर का। उसके बाद लर्निंग एंड पेडागॉजी है जो कि 10 नंबर की है। उसके बाद लैंग्वेज 1 है जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हिंदी होती है। लैंग्वेज 1 में रीडिंग एंड अनसीन पैसेज आएंगे। उसके बाद सेकंड में आएगा पैडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। एंड देन जो थर्ड सेक्शन है उसमें आपको बता देते हैं, उसमें आएगा मैथमेटिक्स। उसके बाद फोर्थ सेक्शन में आएंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद पैडागॉजी इश्यूज, देन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड पैडागॉजी इश्यूज अबाउट एनवायरमेंट। जो सेकंड पेपर है जो एलिमेंट्री लेवल का है 6 to 8 क्लास के लिए, उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि 15 नंबर की आएगी और कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स का, लर्निंग पैडागॉजी 10 मार्क्स की। लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज 30 मार्क्स की आएगी जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 15 का एंड पैडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 मार्क्स की आएगी। सेकंड लैंग्वेज भी सेम कॉम्प्रिहेंसिव 15 मार्क्स का एंड पैडागॉजी ऑफ डेवलपमेंट 15 मार्क्स की। दोनों लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी दो लैंग्वेजेस आप लेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस जो कि 60 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स की जिसमें से 20 नंबर का आएगा नंबर सिस्टम, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मैनिपुलेशन एंड डाटा हैंडलिंग, पैडागॉजी इश्यूज 10 मार्क्स के। अब साइंस की बात करें तो साइंस में फूड, मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूवमेंट, थिंग एंड आइडिया, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे जो कि 20 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद जो पैडागॉजिकल इशू होंगे वो 10 मार्क्स के आएंगे। सोशल स्टडीज के लिए जो पेपर देना चाहते हैं उनमें 60 मार्क्स का जो सेक्शन है उसमें हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी आएगी और साथ के साथ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आएगी। और 40 मार्क्स का ये ऊपर वाला सेक्शन होगा और नीचे पैडागॉजी इश्यूज आएंगे 20 मार्क्स के। तो ये था सिलेबस सीटेट के एग्ज़ाम का। और इसी सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई टीचिंग की वीडियो चाहिए, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए मैं वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी जो भी आपका प्रॉब्लम फेस होगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की। तो अगर जो भी प्राइमरी टीचर बनना चाहता है वो पेपर 1 के लिए अप्लाई कीजिए, और जो भी 6 to 8 क्लास के लिए टीच करना चाहता है वो सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर का फॉर्मेट देखिए, जो पेपर 1 है उसका 30 मार्क्स के चाइल्ड साइकोलॉजी लैंग्वेज 1 30 की, लैंग्वेज 2 30 की, मैथ्स 30 एंड एनवायरनमेंट स्टडी 30। टोटल एग्जाम पेपर है 150 मार्क्स का। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, दैट मीन्स यू नीड 90 मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सिमिलर फॉर्मेट है पेपर 2 का, चाइल्ड साइकोलॉजी 30, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई टू टीच फॉर मैथ एंड साइंस 60 मार्क्स की मैथ एंड साइंस का पेपर आएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं SS के लिए तो आप SS सोशल साइंस के लिए तो 60 मार्क्स का सोशल साइंस का एग्ज़ाम आएगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मैंने बता दिया है पहले भी कि 60% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, दैट मीन्स 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 आपको स्कोर करने हैं CAT को क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ के साथ आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और अगर हम बात करें पेपर 2 की तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ 2 ईयर का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन या BEd जो है 1 साल का BEd आपके पास होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ के साथ BEd की डिग्री आपको चाहिए इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की, तो एग्ज़ाम को अप्लाई करने की जो फ़ीस है जर्नल की है 600 रुपीज़। फॉर पेपर 1 और 2 अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 1000 रुपीज़। सिमिलरली जो SC ST एंड डिफरेंशली एबल पर्सन है उनके लिए सिर्फ सिंगल पेपर में अप्लाई करना है तो 300 एंड बोथ पेपर में अप्लाई करना है तो 500। तो ये है फीस स्ट्रक्चर CTET का। अब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी गई है CTET के रिगार्डिंग, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्ट्रक्चर है एग्जाम का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके ज़रूर बताइएगा।